नमस्कार तुम लोग सकोक आम चेनेल लेस एपोसलो स्वागत जानसो आज भिडिओं आम केरिया अप्शन इन साइंस सिस्टम विषय आलोचना करम अर्थात साइंस सिस्टम द्वारा कि केरिया अप्शन आस विषय आज भिडिओं आलोचना करम कि भिडिओ आरम्भ कर आगे तुम लोग कथ जाना सैया लगिले साइंस सिस्टमे हमको आर्ट सिस्टमे हमको कमार्स सिस्टमे हमको प्रत्येक सिस्टम बहुत असंख्य इनफाइनाइट केरिया अप्शन आस गए आम भिडिओ ऑनलि सीमित संख्यक केरिया अप्शन जीखी साधारण जानू सीख कथा आलोचना करम तदुपरी भिडिओ किसान पपुलर केरिया अप्शन थी जाए जी मोर मन में भिडिओ बन थकूँ जीखी केरिया अप्शन कथ मोर मन पड़े केरिया अप्शन तुम लोग डिस्कस करम जदि क्या केरिया अप्शन तुम लोग भाई थका केरिया अप्शन थी जाए बेहद नपा कमेन्ट करा और मैं केरिया अप्शन ऊपर भिडिओ सीपाइट भिडिओ बनबले चेस्टा करम एस मैं साइंस सिस्टम द्वारा एकदम पपुलर केरिया सिस्टम कथ कबले जाए सकुए मन में मेडिकल एक्टिव मेडिकल धरला गवर्नमेंट मेडिकल कलेज एम बी एस सीट पाले तुम लोग सकुए जाना टूवेल्भ पास परीक्षा दी लगे नीट एन डब्ल्यू ई टी ठीक तेने एम्स सीट पाले एम्स नाम परीक्षा है तार पाते जो केरिया अप्शन कथ कबले जाए तक आम सकुए मन में इंजीनियरिंग एतिया इंजीनियरिंग बुली कोले आमा आउटा मनले आहे आई आई टी एन आई टी इंजीनियर किन्तु तोमालोके होयतो बहुते जाना बा बहुते ना जाना आई आई टी इंजीनियर बा एन आई टी इंजीनियर बुली कोनो धरण इंजीनियरिंग ना थाके एतिया इंजीनियरिंग डिग्री तो होइसे बीटेक 12 पास जेतु 4 बोसा इंजीनियरिंग डिग्री होय बीटेक और तार पास जो आको एक्सट्रा दुबस करे हेतु होइसे एमटेक एतिया आई आई टी इंजीनियर बा एन आई टी इंजीनियर बुली कोनो धरण माने डिग्री ना थाके एतु होइसे आई आई टी बा एन आई टी होइसे इंस्टिट्यूटर नाम आई आई टी एन आई टी से इंडियार प्रेस्टिजियास इंजीनियरिंग इन्स्टिट्यूटर नाम आई आई टी फुल फर्म सकुए जाना इंडियन इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी ठीक तेने एन आई टी फुल फर्म सकुए जाना नेशनल इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलॉजी एतिया एबुर सीट पा हमें तुम लोग टूवेल्भ पास परीक्षा दी लगे परीक्षा जे डब्ल्यू एतिया जे डब्ल्यू मेन्स द्वारा जे डब्ल्यू मेन्स रैंकिंग द्वारा एन आई टी बोर्ड सीट पा जाए ठीक तेने जे डब्ल्यू मेन्स क्वालिफाई कर पीछे जे डब्ल्यू एडवांस नाम परीक्षा है सीट रैंकिंग द्वारा आई आई टी बोर्ड सीट पा जाए एतिया टॉप आई आई टी कले आम मन में आई आई टी बॉम्बे आई आई टी दिल्ली आई आई टी कानपुर आई आई टी खड़गपुर आई आई टी दिल्ली तेनेदी टॉप आई आई टी भर पड़े आई आई टी गुवाहाटी यूर टॉप पुराना आई आई टी भर पड़े आजिकल किसान नतुन आई आई टी आ टॉप आई आई टी बोर्ड सीट पा हमें तुम जे डब्ल्यू जी एडभांस परीक्षा तक भल रैंक भल मार्क्स ठीक तेने तुम जे डब्ल्यू मेन्स द्वारा तुम एन आई टी द्वारा एन आई टी इंजीनियरिंग करा एन आई टी टॉप एन आई टी नाम कब गए एन आई टी वारांगल टीसी एन आई टी सूरतकल एन आई टी रौरकेला बा ठीक तेने एन आई टी जयपुर सभी नाम है ठीक तेने तुम लोग सकुए जाना आम एन आई टी आए एन आई टी सिलचर एक्टर ठीक तेने आई आई टी एन आई टी उपरी इंजीनियरिंग आम स्टेट लेवल तो किसान अप्शन आए धरला ए सी आसाम इंजीनियरिंग कलेज ठीक तेने जे ई सी जोहट इंजीनियरिंग कलेज ठीक तेने सी टी यू एबूर सीट पा हमें एबूर द्वारा इंजीनियरिंग कर तुम लोग आम स्टेट लेवल जी परीक्षा है सी डब्ल्यू सी परीक्षा पास कर सी डब्ल्यू परीक्षा भल रैंक लगे तार उपरी आम जब यूनिभार्सिटी आए यूनिभार्सिटीबूर द्वारा इंजीनियरिंग करा सबूत इंजीनियरिंग कोर्स थके धरला डी यू मैंने डिब्रुगढ़ यूनिभार्सिटी ठीक तेने जे यू मैंने गुवाहाटी यूनिभार्सिटी आम टी यू तेजपुर यूनिभार्सिटी एब किसान आम सी डब्ल्यू मार्क्स तो काउंट है किसान एक्सट्रा सीपाइट एंट्रेंस पाते तार पाते कबले जाओ साइंस सिस्टम केरिया अप्शन से आर्किटेक्चर एटे आई आई टी एन आई टी पर आर्किटेक्चर पारि तार जे डब्ल्यू पेपर एन है सीपाइट पेपर एन है पेपर दिले तुम आर्किटेक्चर सीट पा तार उपरी आम साइंस सिस्टम केरिया अप्शन से फरेन्सिक साइंस ठीक तेने नतुन केरिया अपरचुनिटी से बायोटेक्नोलॉजी ये तुम लोग जीखी मैं इतना डिस्कास करूँ सभी हम टेक्निकल लाइन कितनी आम प्योर साइंसर बेकग्राउंड जाऊँ प्योर साइंसर बेकग्राउंड जाऊँ करूँ मैं अनार्स आम मन में अनार्स धरला तुम टूवेल्व पास कर पीछे क्या सब्जेक्ट लै पे धरला बी एस सी कोला आर्ट्स हमें बी ए कोला ठीक तेने कमार्स हमें बी कम कोला तुम सब्जेक्ट अनार्स लो पारा मानने एट सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट हिसाब से लाइन्स सब्जेक्ट तो आग साइंस तुम मानने कि केरियर तो आगे निबारा ठीक तेने तुम एट सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट हिसाब से नलो बी एस सी एम एस सी पारि सो बेलेग कथा कि मैं अनार्स कौ मैं तैयार तुम बुझ लगे मैं मैं एट सब्जेक्ट ओरियेन्टेड हिसाब से पढ़ी धरला तुम टूवेल्भ पास फिजिक्स केमेस्ट्री मेथ्स तुम बी एस सी कोला बी एस सी पीछे थके एम एस सी एक सब्जेक्ट तुम एम एस सी कोला तार पास पी एच डी पारि पी एच डी पास तुम लोग सकुए जाना पी एच डी कर नाम आगत कि लगे डॉक्टर लगे डॉक्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा तेने डॉक्टर डॉक्टर उपाधि तो पा हमें पी एच डी डिग्री लगे पी एच डी डिग्री थको लगे तार पास आम जो कब जाए पपुलर साइंस हेरी से केरियर अप्शन से डाटा एनालिसिस डाटा साइंस आजिकल कम्पनी कमार्सियल बेकग्राउंड मानने स्ट्रीम तो बहुत
মানে জনপ্রিয়তা বাড়ি আছে। ঠিক তেনেকে রোবটিক্সত তুমি যাব পারা, ঠিক তেনেদরে রিসার্চ লাইনত যাব পারা। এটা রিসার্চ বলে কোয়ার লগে লগে মই যে অলপ দিন আগত কৈছিলো পিএইচডি কৰা, সেইটো এটা রিসার্চ, সেইটো তুমি সাবজেক্টৰ ওপৰত রিসার্চ কৰিছা, সেইটো বেলেগ কথা। ঠিক তেনেদরে রিসার্চ বলে কলে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ইছরো আছে বা ডিআরডিও আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ রিসার্চ যিবোৰ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বা স্পেস অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, সেইবোৰতো আমি সায়েন্স সিস্টেমৰ দ্বাৰা মানে তাত গৈ আমি নিজৰ প্লেচমেণ্ট ল'ব পাৰোঁ বা তেনেধৰণে কিছুমান শাখা মানে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, তেনেদৰে আমি সেইবোৰত গৈ মানে সোমাবগৈ পাৰোঁ। এতিয়া কোনোবা এটা ষ্ট্ৰীমৰ কথা তোমালোকে ডিটেইলছত জানিব হ'লে তোমালোকে ইউটিউবৰ দ্বাৰা ষ্ট্ৰীমৰ কথা জানিব পাৰা, ধৰি লোৱা কেৰিয়াৰ অপশ্যন ইন মানে বায়'টেকনলজি বা তেনেদৰে তোমালোকে ইউটিউবত গৈ লিখি দিবা, তাৰ ওপৰত ডিটেইলছত ভিডিঅ' পাই যাবা। প্ৰত্যেকটো ষ্ট্ৰীমৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বা প্ৰত্যেকটো কেৰিয়াৰ অপশ্যনৰ ওপৰতে ভিডিঅ' পাই যাবা। জাষ্ট মই আজি তোমালোকক কথাখিনি এৱাৰহে কৰিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেৰিয়াৰ অপশ্যনবোৰ আছে, কিন্তু সকলোবোৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন মই আজি ভিডিঅ'টোত কভাৰ কৰা সম্ভৱো নহ'ব। তাৰ উপৰিও আমাৰ আৰু দুটা কেৰিয়াৰ অপশ্যন থাকি গ'ল, এটা হৈছে প্ৰশাসনিক লাইন। এতিয়া প্ৰশাসনিক লাইনত যাব হ'লে ধৰি লোৱা মানে IAS বা AP মানে আমাৰ কি কয় UPSC বা APSC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ তোমাৰ কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কথা নাই। ধৰি লোৱা ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব, আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব বা কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নাই। তুমি যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও তুমি তাত যাব পাৰা, বা ইভেন ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী থাকিলেও তুমি তাত যাব পাৰা। এতিয়া তাৰ কাৰণে তোমালোকে জানা আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত UPSC হয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ কাৰণে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ষ্টেট লেভেলত APSC হয়। এতিয়া সেইবোৰ বিষয়ে তোমালোকে যদি ডিটেইলছ ভিডিঅ' বিচাৰা তেন্তে কমেণ্ট কৰিবা, মই ভিডিঅ' এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ ঠিক তেনেদৰে এটা সাৰ্বজনীন কেৰিয়াৰ অপশ্যন হৈছে টিচিং লাইন। এতিয়া টিচিং লাইনত যাব হ'লে তুমি ছায়েন্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব বা আৰ্টছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব বা কমাৰ্চৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই। তোমাৰ সাধাৰণতে কোনোবা এটা ছাবজেক্টত ভালদৰে কামান থাকিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে তুমি যদি হাই স্কুল লেভেলত যদি টিচাৰ হ'ম বুলি ভাবা, বা তেতিয়া তোমালোকে জানাই চাগে টেট পৰীক্ষা কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ BSc বা MSc থাকিব লাগিব, তাৰ উপৰিও তোমাৰ BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী কথাও একেই, তোমালোকৰ BEd ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, MSc ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব। কিন্তু যদি তুমি কলেজ লেভেললৈ আহা, ধৰি লোৱা BSc লেভেলত যিবোৰ কলেজ থাকে, কলেজ লেভেললৈ আহা বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈ আহা, তেতিয়া তুমি নেট বুলি পৰীক্ষা এটা হয় বা স্লেট বুলি পৰীক্ষা এটা হয়, সেই পৰীক্ষাবোৰ অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ মানে পৰীক্ষাবোৰত পাছ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰফেচাৰ হ'বলৈ PhD ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব বা ৰিচাৰ্চ পেপাৰ পাব্লিছ হ'ব লাগিব, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, সেইবোৰৰ দ্বাৰা তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰা। তেন্তে আজি মই ভিডিঅ'টো থুলমূলকৈ মই আভাসহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদিহে তোমালোকে কিবা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বিচাৰা কমেণ্ট কৰিবা, মই ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।